जो आप सामने कोड नंबर देख रहे हैं, अगर आपका ये कोड नंबर नहीं है तो आपको आपके कोड के वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनने को मिल रही होगी, उसके लिए सॉरी। और इसके साथ साथ एक लास्ट बात कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो हो सकता है कि आपके जवाब थोड़े अलग हों और आपके भी ठीक हों। मतलब जैसे वाक्य की बात करूँ तो वाक्य में एक जवाब नहीं, दो तीन जवाब हो सकते हैं, तो आपके जवाब भी ठीक हो सकता है। दो चार शब्द आपने आगे पीछे कर दिए और मैंने आगे उससे अलग लिख दिया हो, तो ये मत समझना कि सर जो बता रहे हैं वही ठीक है, हो सकता है आपका भी ठीक हो, तो माइंड या टेंशन मत लेना। चलिए शुरू करते हैं व्याकरण भाग से। दूसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क भाग, एक साल पहले बने कॉलेज में शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। संयुक्त वाक्य में बदलना था तो इसको सरल वाक्य में इस तरह से सॉरी संयुक्त वाक्य में इस तरह से बदल जाएगा, एक साल पहले कॉलेज बना था और उसमें शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। ये इसका उत्तर होगा। ख भाग, जो व्यक्ति साहसी है उस उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सरल वाक्य में बदलना है तो इसका सरल वाक्य में इस तरह से बदलेगा, साहसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। घ है, सवार का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। मिश्र वाक्य में बदलना है तो इसका होगा, ज्यों ही सवार का संतुलन बिगड़ा त्यों ही वह गिर गया। अगला है, केवट ने कहा कि बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। आश्रित उपाख्या छाट कर भेद भी लिखना है, तो बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा ये छाटना था, और संज्ञा उपवाक्य कारण की के आने की वजह से। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। क भाग है, किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई। कर्तृवाच्य में बदलिए तो इसका होगा, किसान ने खेत की जुताई की। दूसरा है, कितने कंबल बटे। कर्मवाच्य में बदलना है तो कितने कंबल बांटे गए, ये इसका उत्तर होगा, आओ यहाँ बैठ सकते हैं। भाववाच्य में बदलना है, आओ यहाँ बैठा बैठा जा सकता है, ये इसका उत्तर होगा, सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है। कर्तृवाच्य में बदलना है, सैनिक देश की रखवाली करते हैं, ये इसका उत्तर हो सकता है। चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। सफेद घोड़ा तेज भागता है, सफेद का पद परिचय देना है, तो सफेद गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, घोड़ा शब्द का विशेषण है। खीरा लजीज होता है, खीरा का पद परिचय देना है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ग है, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, यह का पद परिचय देना है, सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और भाषा शब्द की विशेषता है। घ, वह हमेशा सच बोलता है, हमेशा का पद परिचय देना है, क्रिया विशेषण अव्यय है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लिखिए। पांच प्रश्न दिए गए हैं, रस से संबंधित चार लिखने थे आपको। क भाग है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय विकल बटोही, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब इसको इसमें रस छाटना था, तो रस है भयानक रस, क्योंकि इसको पढ़कर डर सा लग रहा है या डरावनी चीज के बारे में बात की गई है इसी वजह से। ख, रौद्र रस का एक उदाहरण लिखना था। अगर आपने वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि आप हर एक रस का एक एक दो दो उदाहरण याद करके जाइएगा, क्योंकि उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे और आप सामने देख ही रहे हैं। ग भाग, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अगला है, घ, उद्दीपन से आप क्या समझते हैं, उद्दीपन और स्थायी भाव से क्या अभिप्राय है। ये दोनों प्रश्न परिभाषाएं पूछी गई थी, इसमें परिभाषाएं ही लिखी नहीं थी और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था।